भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक तमाम संस्थाएं और उपक्रमों में सरकारी नौकरियां लगातार निकलती रहती हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भर्ती परीक्षा देने के बाद परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए हर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी। सरकारी नौकरी की तलाश में है तो इन संस्थाओं में निकले विभिन्न भर्तियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के लिए आवेदन करने से लेकर लास्ट डेट और योग्यता तक सब अलग अलग दी गई हैं। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा ने बहुत से पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 24 अगस्त 2024 है। ये पद ग्रुप सी के हैं और इनके लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। वे कैंडिडेट जो इन भर्तियों के लिए आवेदन करने की जरूरी योग्यता रखते हैं वे बताए गए प्रारूप में फटाफट फॉर्म भर दें। जरूरी डिटेल हम इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। यूपी यूएमएस की इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 82 पदों पर कैंडिडेट की भर्ती होगी। ये पद स्टेनोग्राफर से लेकर फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के हैं। इसके लिए आवेदन 3 अगस्त से होंगे और अप्लाई करने के साथ ही फीस भरने की भी अंतिम तारीख 24 अगस्त 2024 है। अगर हम इन वैकेंसी के बारे में अलग अलग बात करें तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 30 पद, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर 3 पद, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 10 पद, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 5 पद, जूनियर एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 4 पद, कुल 82 पद हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता से लेकर आयु सीमा तक सब कुछ तय किया गया है और बेहतर होगा कि इस बारे में विस्तार से जान पाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट लेते रहें। जैसे कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएशन किए और कुछ एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इन्हें टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसी तरह स्टेनोग्राफर पद के लिए ग्रेजुएशन के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर पद के लिए 12वीं पास कैंडिडेट जिनके पास संबंधित फील्ड से 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार हर पद के लिए योग्यता अलग अलग है। इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की आधिकारिक वेबसाइट upums.ac.in पर जाना होगा। यहां से आप अप्लाई करने के साथ ही इन पदों पर डिटेल भी पता कर सकते हैं और आगे के अपडेट भी जान सकते हैं। चयन के लिए कैंडिडेट को परीक्षा देनी होगी। इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। बेहतर होगा कि आप वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में अपडेट लेते रहें। वहीं इन पदों के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल तय की गई है। साथ ही यूपी यूएमएस की इन भर्तियों के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को 23,060 रुपए शुल्क देना होगा। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये शुल्क 14,016 रुपए है। सिलेक्ट होने पर सैलरी पद के हिसाब से है। ये पे लेवल 4 से 6 तक है। इसके तहत कैंडिडेट को महीने के 25,000 रुपए से लेकर 1,12,000 रुपए तक सैलरी हर महीने मिलेगी। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट MPCG। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।